हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी आईएएस। आई एम योर एजुकेटर शिवम पिलानिया और इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इंडिया के वो सभी रेलवेज जो कि यूनेस्को की लिस्ट में आते हैं। लेकिन अपनी लिस्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंडियन रेलवेज के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। जैसे कि इसे ऑपरेट करती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, और अगर हम अपनी रेलवे जो नेटवर्क का साइज देखें तो ये वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है, जिसे फाउंड किया गया था 8 मई 1845 के अंदर, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। जो मिनिस्टर हैं रेलवेज के, उनका नाम है पीयूष गोयल, और अगर हम बात करें मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज, उनका नाम है सुरेश अंगद। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो चेयरमैन है रेलवे बोर्ड के, उनका नाम क्या है। अपनी लिस्ट को स्टार्ट करते हैं और पहले नंबर पर आता है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, जो कि यूनेस्को में लिया गया था नवंबर 99 के अंदर। ये एक नैरो गेज है जो कि सिलीगिरी से दार्जिलिंग तक जाता है इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसे बनाया गया था फ्रैंकलिन प्रेस्टीज के द्वारा, और ये इसे जो ऑपरेट करती है वो है हमारी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। इसे जो ओपन हुआ था, ये जब ओपन हुआ था वो डेट है 1879। आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा गैप है कि इसके बनाने से इसे यूनेस्को की लिस्ट में लाने तक। 1879 में इसे बनाया गया था और ये यूनेस्को की लिस्ट में नवंबर 1999 के लाई गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के बारे में, जिसे यूनेस्को की लिस्ट में 2004 के अंदर लाया गया था, और ये बनाया गया था 1888 के अंदर। देखिए, ये बात थोड़ी सी सही भी और गलत भी, क्योंकि इसे जो ये जो ओपन हुआ था वो डेट है आपकी 1853, लेकिन जो बन के कम्प्लीट हुआ था वो डेट है 1888। और दोनों ही चीज़ें मई में थी, मतलब कि इसे जो बनने की स्टार्टिंग हुई थी वो थी मई 1853, और जो बन के तैयार हुआ था वो भी थी मई 1888, इन द टाइम टू सेलिब्रेट क्वीन विक्टोरियाज गोल्डन जुबली। थर्ड नंबर पे हमारा आता है नीलगिरी माउंटेन रेलवेज, जो कि यूनेस्को की लिस्ट में 2005 के अंदर लाया गया था, और ये कनेक्ट करता है टाउन ऑफ मित्तुपालयम विद द हिल स्टेशन ऑफ युगंधमंडलम इन द नीलगिरी हिल्स। अगर हम बात करें नीलगिरी माउंटेन रेलवेज के बारे में, तो इसे ऑपरेट करती है सलीम रेलवेज डिवीजन, और ये ओपन हुआ था 1908 के अंदर। लास्ट हमारे फोर्थ नंबर पे आता है कालका शिमला रेलवेज, जो कि यूनेस्को की लिस्ट में रिसेंटली लाया गया है 2008 के अंदर, और ये नैरो गेज है इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ट्रेवलिंग अलोंग ए मोस्ट माउंटेनियस रूट फ्रॉम कालका टू शिमला। इसको जो बनाया गया था वो बनाया गया था 1903 के अंदर, और इसे ऑपरेट करती है हमारी नॉर्दर्न रेलवे। कालका शिमला ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है। अब देखिए, इतनी बड़ी जो चार जो नाम है, इन्हें आप याद कैसे कर सकते हैं। देखिए, कल शिवाजी गिरने के बाद डर गए, यहाँ जो कल है वो आपका कालका से सिमिलर करता है, शिवाजी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से रिलेट करता है, गिरना जो वो है, देखिए यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा नीलगिरी जो है उसमें गिरी आ रहा है, तो गिरने का आप वहां से रिलेट कर सकते हैं, और जो दार्जिलिंग है उसको आप डर से यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज देता हूँ, जैसे कि विवेक एक्सप्रेस जो है वो इट हैज द लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट इन इंडिया कनेक्टिंग डिब्रूगढ़ एंड कन्याकुमारी। ये जो है ये लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट है इंडिया के अंदर, साथ ही साथ ये 8th लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड के अंदर, इसकी रैंकिंग जो है वो 8th लॉन्गेस्ट है। बात करते हैं हमारे क्वेश्चन ऑफ डे के बारे में, इसको आप कमेंट सेक्शन में बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रेलवे जंक्शन इन इंडिया, इंडिया के अंदर रेलवे जंक्शन लार्जेस्ट कहाँ पर है। आपके ऑप्शन है दिल्ली, भटिंडा, मथुरा, प्रयागराज, या जो प्रयागराज जो कि पहले इलाहाबाद के नाम से था। आपको जरूर बताने हैं दो क्वेश्चंस के अंदर, जो मैंने पहले पूछा था कि चेयरमैन कौन है रेलवे बोर्ड के, और जो क्वेश्चन अभी आपकी स्क्रीन पे है आपको इसका भी आंसर देना है कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही साथ कमेंट कीजिए सवालों के भी और आपके सजेशंस को भी। टेक केयर, गुड बाय।